हाई एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म दैट इज ई लर्निंग विद अनु। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों को एक स्कीम से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू डेकोरेटिव स्लाइड्स के थ्रू बताने वाली हूँ। सो स्कीम का नाम है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन। सो सुमन क्या है, किसको प्रोवाइड करती है ये स्कीम फैसिलिटीज जो भी है, और क्या सिग्निफिकेंस है, बैकग्राउंड है, किन्होंने लॉन्च किया है, सब इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी। सो वीडियो को मिड तक एंड तक जरूर देखिएगा, शॉर्ट वीडियो है। और मेरे जो भी और सोशल प्लेटफॉर्म है मुझे वहाँ भी ज्वाइन जरूर कीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी मैं डेकोरेटिव इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड करती हूँ और जो भी फैक्ट्स होते हैं वो भी आप लोगों को मैं उस प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करती हूँ। सो नेम और लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप लोग मुझे वहां ज्वाइन कर सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी। सो स्टार्ट करते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर एट जीरो कॉस्ट टू प्रेग्नेंट वुमेन, न्यू मदर एंड न्यू बॉर्न। सो जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने ये स्कीम दैट इज सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन जो है वो लॉन्च किया है। किसको प्रोवाइड करने के लिए, हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए एट नो कॉस्ट और जीरो कॉस्ट कि नहीं टू प्रेग्नेंट वुमेन, न्यू बॉर्न बेबीज एंड न्यू मदर्स। ठीक है। सो जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने ये स्कीम लॉन्च करी थी और हेल्थ स्टेट हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ 10th अक्टूबर 2019 को कब करी थी, 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कहाँ पर करी थी, न्यू दिल्ली में। सो देख लेते हैं बैकग्राउंड क्या है स्कीम का। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डाटा इंडियाज मेटर्नल मॉर्टिलिटी रेट, सो जो गवर्नमेंट डाटा आया है उसके हिसाब से मेटर्नल मॉर्टिलिटी रेट जो है वो कम हुआ है 254 लाख लाइव बर्थ 2004-2006 से अब कितना है 130 इन 2014 एंड 2016। और जो इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट है वो भी रिड्यूस्ड हुआ है 66 पर 1000 लाइव बर्थ से 2001 से अब कितना हो गया 34 इन 2016। अलॉन्ग विथ प्रायोरिटाइजिंग मेटर्नल एंड इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट द गवर्नमेंट इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग मेंटल हेल्थ फैसिलिटी इन द नेशन। सो इस हेल्थ केयर सेक्टर में अब गवर्नमेंट जो है मेंटल हेल्थ फैसिलिटी भी जो है उसको भी इम्प्रूव कर रहा है, उनका उस चीज़ पे भी फोकस है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। सो आगे देखते हैं। द सुरक्षित मातृत्व आश्वासन इनिशिएटिव और सुमन स्कीम एम टू प्रोवाइड डिग्निफाइड एंड क्वालिटी हेल्थ केयर एट नो कॉस्ट टू एवरी वुमेन एंड न्यू बॉर्न विजिटिंग अ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी। सो जो स्कीम है उसका एम यही है कि एक क्वालिफाइड हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा सके उस वुमेन को जो कि कोई भी कॉस्ट पे ना हो, और न्यू बॉर्न बेबीज को और एवरी वुमेन को वो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके, क्योंकि पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, सो वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो इस स्कीम का यही मोटिव है कि बिना कॉस्ट के वो सारी फैसिलिटी जो है वो उस वुमेन को, न्यू बॉर्न बेबी को प्रोवाइड की जा सके। अंडर द स्कीम ऑल द प्रेग्नेंट वुमेन, न्यू बॉर्न एंड मदर अप टू 6 months ऑफ डिलीवरी विल बी एबल टू अवेल सेवरल फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी और सर्विसेज सच एज 4 एंड चेकअप्स एंड 6 home-based न्यू बॉर्न केयर विजिट। सो अंडर दिस स्कीम जो वुमेन है, न्यू बॉर्न बेबी है, या फिर जो 6 month के बाद, जो डिलीवरी के बाद जो भी फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड की जाएगी उस वुमेन को। ठीक है। नेक्स्ट इज द प्रेग्नेंट वुमेन विल एबल टू अवेल अ जीरो एक्सपेंस डिलीवरी एंड सी सेक्शन फैसिलिटी इन केस ऑफ कॉम्प्लिकेशन एट पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी। सो जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो अवेल कर सकती हैं जीरो एक्सपेंस डिलीवरी सी सेक्शन फैसिलिटी को, अगर उनकी कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह होती है तो। द स्कीम विल इंश्योर दैट देयर इज जीरो टॉलरेंस फॉर डिनाइल ऑफ द सर्विसेज टू सच पेशेंट। सो जो स्कीम है वो इंश्योर करती है कि उन्हें टॉलरेट का सामना नहीं करना पड़ेगा और कोई भी डिनाय नहीं करेगा उस सर्विस को पेशेंट को प्रोवाइड करने के लिए। द स्कीम will enable zero expense access to the identification and management of complication during and after the pregnancy. So जो स्कीम है वो जीरो एक्सपेंस है कि आपको कोई एक्सपेंस नहीं करना अपना, तो जो भी कॉम्प्लिकेशन है ड्यूरिंग और आफ्टर प्रेगनेंसी सारे जो एक्सपेंस है वो इस स्कीम के थ्रू वो स्कीम आप लोगों का उठाएगी, उस इंसान को, उस लेडी को कोई भी एक्सपेंस वो उठाना नहीं पड़ेगा। द गवर्नमेंट विल ऑल्सो प्रोवाइड फ्री ट्रांसपोर्ट टू द प्रेगनेंट वुमेन फ्रॉम होम टू द हेल्थ फैसिलिटी एंड ड्रॉप बैक आफ्टर डिस्चार्ज। ठीक है। सो जो गवर्नमेंट है वो और फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेगी प्रेगनेंट वुमेन को। मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब सिग्निफिकेंस क्या है, द सुमन
स्कीम एम टू ब्रिंग डाउन द मेटर्नल एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। वही मेन जो मोटिव है इस स्कीम का यही है कि जो मेटर्नल और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है वो डिक्रीज हो, जितना ज़्यादा डिक्रीज होगा उतना अच्छा है। कि न्यू बॉर्न बेबी जो है हमारे इंडिया में, काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि पहले होता था कि मरते ज़्यादा थे, क्योंकि पूरे तरीके से जो वुमेंस होती थी, जो पुअर वुमेंस होती थी, वो 7-8 मंथ तक भी काम करती थी, तो उन्हें फैसिलिटी वो सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जाती थी, तो जो बेबी होता था वो इतनी जल्दी, या तो अगर टाइम से भी पहले होता था तो सर्वाइव नहीं कर पाता था, तो जिसकी वजह से इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा था। बट ड्यू टू सच स्कीम और मोटिव, जिसकी वजह से जो ये इन्फेंट मॉर्टिलिटी और मेटर्नल मॉर्टिलिटी रेट है वो डिक्रीज हो रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। द स्कीम प्रोवाइड अ पॉजिटिव एंड स्ट्रेस फ्री बर्थ एक्सपीरियंस टू द मदर एंड न्यूबॉर्न। ये यही है, मेरा कहने का मतलब यही है, और ये स्कीम भी यही कहती है कि जैसे अगर कोई वुमेन है, पुअर वुमेन है, जो कि जो डेली वेजिस पे काम करती है, तो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, वो पूरे एंड तक काम करती है, क्योंकि उसको अगर वो काम नहीं करेगी तो पैसे नहीं मिलेंगे, और पैसे नहीं मिलेंगे तो वो घर का खर्चा कैसे चलाएगी। और बेबी होने के बाद भी बहुत ज़्यादा टाइम जो होता है वुमेन को चाहिए होता है बॉडी को रिकवर करने के लिए, बट काम अगर नहीं होगा तो वो कैसे वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाएगी अपने लिए। सो वो अपनी सेहत का ध्यान ना देते हुए वो प्रेगनेंसी के बाद भी, डिलीवरी के बाद भी बहुत ही जल्द काम करना शुरू कर देती है, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। सो ये जो स्कीम है वो एक पॉजिटिव और स्ट्रेस फ्री बर्थ जो एक्सपीरियंस होना चाहिए एक मदर को, वो प्रोवाइड करती है, कि उसे कोई भी स्ट्रेस ना हो कि अगर मेरी जॉब चली भी गई है अभी बेबी होने से पहले और बेबी होने के बाद, तो उसे कोई स्ट्रेस ना हो, वो ईजिली आराम से उस टाइम को इंजॉय करे और स्ट्रेस फ्री रहे। द गवर्नमेंट ऑल्सो इंश्योर दैट डिग्निफाइड केयर इज प्रोवाइडेड टू द पेशेंट विद अर्ली इनिशिएशन एंड सपोर्ट फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग फ्री एंड जीरो एक्सपेंस सर्विसेज फॉर सिक न्यू बॉर्न एंड न्यूनेट्स एंड जीरो डोज वैक्सीनेशन। सो वही है, जीरो डोज वैक्सीनेशन होना चाहिए, फ्री एंड जीरो एक्सपेंस सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, जो भी अगर कोई बच्चा सिक है तो ये सारी फैसिलिटीज उन लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। सो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, शॉर्ट वीडियो थी, वीडियो बताइएगा मुझे कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।